वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से एक बार एक नए मतलब चैप्टर के साथ, सॉरी चैप्टर तो वही है हमारा, लेकिन उसी चैप्टर को एक नए तरीके से यानी आगे पढ़ेंगे। उसी चैप्टर के आगे हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास में, अगर हम लोग देखें तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ ली थी, अकाउंटिंग पढ़ने का पर्पज समझ लिया था और उसके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं या प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को हमने समझ लिया था। और यहाँ पे आज हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यानी बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे हम इसको समझेंगे, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बुक कीपिंग की। अगर बुक कीपिंग वर्ड को समझा जाए, बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग मतलब होता है, बुक मतलब होता है बुक यानी किताबें और कीपिंग मतलब रखना। तो कुछ लोग समझते हैं कि किताबों को रखना या किताबों को अलमीरा में सजा के रख देना कबर्ड में, इसका मतलब बुक कीपिंग हो गया। तो यहाँ अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग का मतलब ये नहीं होता। बुक कीपिंग का मतलब यानी किताबों को सजा के रखना, ये कतई इसका मतलब नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं उनको बिजनेस की किताबों में लिखना और उन किताबों को रखना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। यानी यहाँ पे किताबों को सजाना या किताबों को रखना बुक कीपिंग का मतलब नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को बिजनेस की किताबों में लिखना और उनको प्रॉपर तरीके से रखना, ये होता है बुक कीपिंग। यानी यहाँ लिखा क्या हुआ है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हर चीज को पढ़ने का कुछ सिस्टम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, वही सारे नियम कायदे कानून हम लोग यहाँ बुक कीपिंग में भी फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते समय कुछ चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी चीजों को हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो ये बुक कीपिंग का मतलब हो गया। यानी बुक कीपिंग का मतलब किताबों को सजाना है, किताबों को रखने से नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना, इसका मतलब होता है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग की बात करें तो कोई नई चीज नहीं है ये। जो आपने अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझा था, अगर उसी को एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वही अकाउंटिंग की मीनिंग बन जाती है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, देखिए लिखा भी है प्रोसेस ऑफ। सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन सिखाया था हमने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला वीडियो पहले अगर देखता है तो इस वीडियो में उसको काफी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द यूजफुल मैनर। यानी यहाँ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करते हैं, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस की बुक्स में हमें रिकॉर्ड करने हैं। उनको केवल आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए अलग काम है। रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाइंग किया, मतलब एक तरह के ट्रांजेक्शन को एक जगह लेके आ गए, फिर उसका एनालिसिस किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन थी उसको इंटरप्रेट करने के बाद हम जो भी अकाउंट्स के यूजर्स हैं उसके, उनको हमने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। ये हमारी अकाउंटिंग हो गई। लास्ट हमारा होता है अकाउंटेंसी। अगर आप सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट देखोगे तो अकाउंटेंसी ये माना जाता है, अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जिस भी इंसान को अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक नॉलेज होता है, मतलब इट मीन द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो मतलब यहाँ पे हम बुक कीपिंग को, अकाउंटिंग को और अकाउंटेंसी को समझ सकते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये सबकी, आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए काफी यूजफुल भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के मेन होते हैं ऑब्जेक्ट, यानी हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग के भी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहला जो अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करें तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। मतलब यहीं से
भाई अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, यानी एक तरीके से कहें रिप्लेस मेमोरी। जो चीज हमारी मेमोरी में है उस चीज को हमें क्या करना है, रिप्लेस करके अपनी बिजनेस की बुक्स में लेके आना है। इतना बर्डन क्यों माइंड में रखें भाई, ठीक है ना। अगर हम ये सब बर्डन माइंड में रखेंगे तो बिजनेस की जो और कोर कॉम्पिटेंस है वहां कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स में लिख देते हैं, यानी हमारा हेडर खत्म। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। और साथ साथ रिकॉर्डिंग तभी कर पाएंगे हम जब हमें बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो, और अकाउंटिंग में रिकॉर्ड बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस करना शुरू किया तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही था। अब वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि भाई बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता किया जाए। कौन बताएगा, या जिस दिशा की हम चल, जिस तरह हम चल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो वही चीज है कि हमारे जो पथ है या जो हमारा वे है बिजनेस का, वो हमें सक्सेस की तरफ लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, हम बिजनेस में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या हमारा बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। इस चीज को एनालाइज करने का काम भी हम अकाउंटिंग से करते हैं, यानी अकाउंट के थ्रू हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज भी करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको हम एनालाइज करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज हमने देख ली। आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन, बिजनेस की पोजिशन क्या है। पोजिशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज और एसेट्स की क्या पोजिशन है, बिजनेस में लाइबिलिटीज की पोजिशन और हमारी एसेट्स की पोजिशन की कैसी है, इस चीज को हमें समझना होता है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस, यानी वो सारे ऑब्लिगेशन जो हमें किसी भी इंसान को क्या करना है, पे करना है, जो हमें किसी को देना है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज। सिंपली कहें तो ऑब्लिगेशंस। जैसे अगर मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो जब आपने लोन लिया तो वो लोन आपको आफ्टर सर्टेन टाइम रिपे भी तो करना पड़ेगा, तो दिस इज योर ऑब्लिगेशन, मतलब दिस इज योर लाइबिलिटी। अगर आपने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो दिस इज योर ऑब्लिगेशन, आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू मेक पेमेंट, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज होती है। और दूसरी तरफ बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एसेट्स होती है, ठीक है, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है ना, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, ये सारी जितनी चीजें होती है सब एसेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो एसेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज है वो सब एसेट्स में आती हैं। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा होता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखिए होता क्या है, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, बजट कंट्रोल करना होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट लगातार लॉस की तरफ बढ़ रहा है, तो अब हमें उस प्रोजेक्ट में आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाएगा। जब तक हमको अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा कि हमें किस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या नहीं है। तो मैनेजमेंट डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो, जब उसको सारी चीजें पता हो, तब उस चीज को एनालाइज कर पाएगा कि हाँ कहाँ हमें पैसा लगाना है, कहाँ पैसा विड्रॉ करना है, कैसे हम कंट्रोलिंग करें, कैसे बजटिंग करें, और भी तमाम डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं, और अकाउंटिंग उसमें बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता है। यानी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट टेक necessary steps to control their business. After that, अगर हम बात करें providing accounting information to users, business के जो भी users हैं, जो stakeholders हैं, internal users हैं, external users हैं, वो भी business में या accounting की information को जानना चाहते हैं। अब जैसे tax authority है या government है, tax authority को business से tax लेना है, ठीक है, bank को business से अपना लोन अमाउंट लेना है, या वो बंदा जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो भी ये चाहता है कि भाई हमने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है
वो ऑर्गेनाइजेशन कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, हमको हमारे रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलने वाला है, वो भी जानना चाहेगा, वो भी अच्छी जानना चाहेगा। तो अब ये सारी चीजें, ये सारे यूजर्स जो अकाउंट के होते हैं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। स्टेक होल्डर्स में इसके अंदर आते हैं इंटरनल यूजर्स आते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स आते हैं। इंटरनल में आपके तीन लोग आते हैं, पहले आते हैं बिजनेस के ओनर, ओनर वो लोग होते हैं जो बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, दूसरा आते हैं मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, और तीसरे होते हैं एम्प्लॉयज जो बिजनेस में काम करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें, जो बिजनेस के बाहर के यूजर्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे क्रेडिटर इसमें है, बैंक है, टैक्स अथॉरिटी है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी है। इन्वेस्टर तो समझ में आ रहा है कि भाई जिसने पैसा बिजनेस में लगाया वो इन्वेस्टर है। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसा तो नहीं लगाया बिजनेस में, लेकिन वो पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात पूरी क्लियर हुई होगी। सो अब हम लोग बिजनेस के, हम लोगों ने देखिए क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में। देखा जाए तो हमने बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव थे उनको डिस्कस कर लिया, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस था ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इसी चैप्टर का, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अकाउंटिंग इज अ साइंस। कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं ये साइंस है। अब हमको ये समझना है कि ये आर्ट है कि साइंस है। सबसे पहले एक एक करके हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि आर्ट होता क्या है और साइंस होता क्या है, और उसके बाद फिर इसकी कंपेरेटिव या कंक्लूसिव स्टडी करेंगे और खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक आर्ट है या एक साइंस है। तो देखिए आर्ट का क्या मतलब होता है, जब भी हम किसी चीज को, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पढ़ते हैं और अपने डेली लाइफ में अप्लीकेबल भी करते हैं, पढ़ने के साथ साथ अगर वो चीज हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लीकेबल भी होती है तो उसको हम बोलते हैं आर्ट। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे भी हम अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं, चीजें करते हैं, वो सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती हैं। एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ, हमारे बिजनेस का क्या लॉस हुआ, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए भी वो अकाउंटिंग का सहारा लेता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट के थे वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अकाउंट्स में भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम तो ये बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, यानी अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का क्या मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। अकाउंट में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो एक कंपेरेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑल्सो। तो अगर हम एक कंक्लूसिव स्टडी करें तो यही कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। आपको इतना ही समझना है कि अकाउंटिंग हमारी साइंस भी है और उसके साथ साथ ये आर्ट भी है। अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो ये हमने अकाउंटिंग का ये समझ लिया कि साइंस है आर्ट है, तो ये कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन इज दैट कि ये हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। अब हमें इसके क्या समझने हैं, अकाउंट्स के एडवांटेजेस समझने हैं कि अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज निकल के सामने आएंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस का, तो आप यहीं से समझ सकते हैं, एडवांटेज समझ सकते हैं और उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा और हेडिंग के साथ लिखिएगा, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हमारा क्या आता है, पहला एडवांटेज है हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो मनी के सेंस में आती है, ये जिसको हम मनी के सेंस में मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम अकाउंटेंसी से पता कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी हमें अकाउंटिंग के थ्रू होती है। किससे कितना गुड्स परचेज किया, किससे किसको कितना गुड सेल किया, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, किस स्टैंड पे हैं, और हमें आगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाने हैं। तो पहला एडवांटेज यही है कि बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अकाउंटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग का। दूसरा एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट।
जो मैनेजमेंट पार्ट होता है, मैनेजमेंट को बिजनेस में कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, स्टाफिंग करना होता है, डायरेक्टिंग करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है, कई सारे प्रोसेस से मैनेजमेंट का काम होता है। अब मैनेजमेंट को अगर डिसीजन लेना है किसी चीज का, तो वो डिसीजन डिपेंड करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर। प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू, मान लीजिए दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट टू जो है वो लगातार लॉस की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि हम प्रोजेक्ट टू को आगे कंटिन्यू करें या ना करें। लेकिन वो ये डिसीजन तभी ले पाएंगे जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, यानी अकाउंट्स के थ्रू उसको ये पता चल पाएगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट बी है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यानी मैनेजमेंट को भी अकाउंट से काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ये समझ पाता है कि किस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है और किसको रोकना है। नेक्स्ट हमारा है रिप्लेस मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। सारी इतनी सारे दिन भर में इतने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को माइंड में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो ही जाती, कितना भी हम अकलमंद क्यों ना हो, कितना भी हमारी मेमोरी स्ट्रांग क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है। आपकी एक इन्फॉर्मेशन स्किप होने से आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो इतने सारे स्ट्रेस को क्यों रखा जाए, क्यों ना हम इसको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर दें, यानी इसकी अकाउंटिंग कर दें, ताकि अपनी मेमोरी को हम रिप्लेस कर दें। ये भी कहा जाता है कि जो चीज रिटर्न होती है उसका एक एविडेंस होता है। अब बताइए ओरल चीज का क्या एविडेंस है, आपने कोई चीज किसी से ओरली कही, हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है आप भूल जाओ, यानी डिस्प्यूट होने के चांसेस है, तो आखिर ऐसे चांसेस क्रिएट क्यों किए जाएं? पहले इसको हम रिटर्न फॉर्म में लिख लें ताकि हमारे पास एविडेंस रहे, कोर्ट भी एविडेंस मांगता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंट से हम अपने बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि पिछले साल हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा था और आज हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी बिजनेस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट होने के साथ साथ और आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम अकाउंटिंग से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एविडेंस इन कोर्ट। तो देखो ये पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है, जो रिप्लेस मेमोरी वाला पॉइंट था देखा जाए तो उसी पॉइंट से ये पॉइंट बन के आता है एविडेंस इन कोर्ट, कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर किसी कस्टमर के साथ, किसी सप्लायर के साथ, या किसी टैक्स अथॉरिटी के साथ, या गवर्नमेंट के साथ, कहीं से भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का या एंटिटी का, तो अकाउंट्स जो हमने मेंटेन किए हैं, जो रिटर्न फॉर्म में हमने रखे हैं, उसको हम एज अ एविडेंस भी बिजनेस में या कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अकाउंटिंग के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने चाहिए कि आखिर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, वो हमने समझ लिया यहाँ पे। अब बात करेंगे अकाउंट्स के लिमिटेशन के बारे में। देखिए होता क्या है, अ कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, अगर हमने अच्छाइयां देखी तो कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, उन लिमिटेशंस को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर अकाउंट्स के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। सबसे पहला जो लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब होता क्या है कि अकाउंटिंग करते तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, तो कभी कभी वो करते क्या है कि अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन कर देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, या टैक्स इवेजन करते, यानी टैक्स के लाइबिलिटी को कम करने के लिए अपनी पूरी चीजें सही से नहीं बताते। तो यानी अकाउंट्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है, ऑथेंटिक है, इसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता, या हम ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई दैट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। विश्वास किया जा सकता है, विश्वास करते भी हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा अंधा विश्वास हम उसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिसएडवांटेज विंडो ड्रेसिंग वाला पॉइंट कई बार पूछा भी जाता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि भाई जो हम किसी को दिखाएंगे वही तो दूसरा देखेगा। मान लीजिए हमारी बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, अपने बिजनेस में अपनी एसेट्स की वैल्यूज को ज्यादा करके दिखा दिया। बिल्डिंग की रियल वैल्यू थी 50 लाख, हमने दिखा दिया 1 करोड़।
फर्नीचर को बढ़ा के दिखा दिया, ठीक है ना, मोटर व्हीकल को बढ़ा के दिखा दिया। अब जो बाहरी इंसान है जो हमारे बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, उसको क्या समझ में आएगा? वो तो यही समझेगा ना कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने अपने अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दिया है। हम जो दिखाना चाह रहे हैं लोग वही देख रहे हैं, अगर हम गलत दिखाएंगे लोग गलत देखेंगे। तो कई बार कुछ अकाउंटेंट इसका गलत फायदा उठाते हैं, अपने अकाउंट्स में जो बुक्स की जो रियल वैल्यू होती है उसको ज्यादा करके दिखा देते हैं, ताकि बिजनेस की पोजीशन अच्छी लगे, लोग पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि बाहरी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छी सी विंडो बनवा ली, ताकि बाहर के लोग ये समझें कि अंदर का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग कर देना, यही सही बिजनेस में लोग विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, कि मतलब इस तरीके से वैल्यूज को दिखाया जाता है या अकाउंट्स की चीजों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ये भी अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन कहा जाएगा, एक तरीके से कहें तो। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये पॉइंट आया था जब हम लोगों ने पढ़ा था मेजरिंग, तो वहां पे एक पॉइंट ये आया था कि अकाउंट्स में हम केवल उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं दैट कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, ठीक है ना, जो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, लेकिन उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। अब जैसे मान लो एक हमारा एम्प्लॉय है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत डिलीजेंट है, वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हमारे साथ काम करता है, क्या उसके डेडिकेशन को, क्या उसकी ऑनेस्टी को, क्या उसके डिलीजेंट वर्क को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, कि वो कितने रुपए का ऑनेस्ट है या वो कितने रुपए का डिलीजेंट वर्कर है? क्योंकि ये सारे क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, और क्वालिटी को कभी हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, और जब मनी में मेजर ही नहीं कर सकते तो उसकी अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते। तो जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम बिजनेस में या अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब ये हुआ कि अकाउंट्स में हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, ये भी अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक या लिमिटेशन होता है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो जो लास्ट हमारा टॉपिक चलता है, यानी इंटरप्रेटिंग या कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, बार बार यूजर वर्ड पहले भी आया था, अब उन्हीं यूजर्स को हम समझने जा रहे हैं। समझा तो पहले भी था कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूजर्स होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अकाउंट्स में दो तरह के यूजर्स होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बेसिकली देयर आर थ्री इंटरनल यूजर्स, तीन तरह के लोग इंटरनल यूजर्स में हमारे आते हैं। पहला हमारे आते हैं बिजनेस के ओनर्स। ओनर मतलब नाम से पता चल रहा, ओनर मतलब एक ऐसा बंदा जिसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, जो बिजनेस का ओनर है या बिजनेस का मास्टर है, या इसे बोले जिसके पास बिजनेस का मालिकाना हक है, मालिक है एक तरीके से वो, क्योंकि कैपिटल लगाई है तो ऑब्वियस बात है मालिक तो कहा ही जाएगा। तो जो बिजनेस का ओनर होता है, हु सप्लाइड कैपिटल टू द बिजनेस इज नोन एज ओनर, एंड दिस इज अ इंटरनल यूजर्स ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस का उसको हम इंटरनल यूजर बोलते हैं। सेकेंड हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जो बिजनेस का ओनर है वही मैनेजर होता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ओनर अलग होता है मैनेजर अलग होता है। मैनेजमेंट वो पार्ट होता है जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करता है, कब कितना पैसा इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ से गुड्स परचेज करना है, कहाँ से डीलिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे कराना है, हमारी सेल्स पॉलिसी क्या होगी, बजट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के पार्ट में आ जाती हैं। तो मैनेजमेंट मतलब होता है वो पार्ट जो डिसीजन मेकिंग करता है, बिजनेस के अंदर डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ये भी बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड हमारे होते हैं इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज में आपके वो भी इम्प्लॉयज आते हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, और वो भी आते हैं जो मेंटल वर्क कर रहे हैं, दोनों तरह के। फिजिकल वर्क करने वालों को हम बोलते हैं लेबर, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम एज अ रिटर्न सैलरी वेजेस पे करते हैं, और मेंटल वर्क वालों को हम सैलरी पे करते हैं। तो ये इम्प्लॉयज दोनों तरह के लोग होते हैं, वर्कर भी इसके अंदर आते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्क करें या मेंटल वर्क करें, तो इम्प्लॉयज भी हमारे इंटरनल यूजर्स में कवर अप हो जाते हैं। तो देयर आर थ्री इंटरनल यूजर्स, फर्स्ट इज ओनर, सेकेंड इज मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज इम्प्लॉयज।
अब हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर के बारे में, यानी वो सारे लोग जो बिजनेस के बाहरी लोग हैं, लेकिन उनको भी हमारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं इसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी किताबों में अगर आप ये भी देखेंगे जो एम्प्लॉई है उनको एज अ एक्सटर्नल यूजर माना गया है, लेकिन जनरली देखा जाए तो एम्प्लॉई को हम इंटरनल यूजर ही मानते हैं। कई सारी किताबों में आपको एज अ एक्सटर्नल यूजर देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको इंटरनल यूजर की तरह ही ट्रीट करिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग एक्सटर्नल यूजर की बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे इसमें रहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये वो इंस्टीट्यूशन हैं जिन इंस्टीट्यूशन ने से हमने लोन लिया है, ठीक है ना। तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमको लोन दिया है वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को जानना चाहते हैं, उनको भी ये इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि भाई जहां पे हमने पैसा दिया वो हमारे पैसे को कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वो हमारे मनी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये उनको जानने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल यूजर्स हैं, जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने कोई भी मनी अभी तो इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको हम लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और ये सारे लोग हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, यानी बाहरी लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, यानी जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए हमारा लेदर का बिजनेस है, तो लेदर का बिजनेस अगर हम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं, या अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो जो सप्लायर होते हैं, जैसे जिन्होंने हमको रॉ मटेरियल वगैरह दिया है क्रेडिट पे, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, यानी अभी हमें उनको पेमेंट करना होता है। और क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी माने जाते हैं, जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं दैट आर द लायबिलिटीज फॉर अ बिजनेस, क्रेडिटर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारी होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज या टैक्स अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के भी हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, जो नियम कायदे कानून बनाती है, वो सारे हमें फॉलो करने होते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस का एक एक्सटर्नल यूजर माना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो वो सारे लोग जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं दैट आर कंज्यूमर, और वो हमारे एक्सटर्नल यूजर ही कैटेगरी में रखे जाते हैं, माने जाते हैं। तो कंज्यूमर्स को भी हम एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। और लास्ट हमारी आ जाती पब्लिक, आम पब्लिक जो भी पब्लिक है, जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर भी रही हो सकता है या हो सकता नहीं भी कर रही है, वो सारी आम पब्लिक भी एक्सटर्नल यूजर ही कैटेगरी में आती है। तो अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट थे वो आपको कवर कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं या जो भी चीज़ें हैं तो आप उसमें उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है पूरे कंटेंट के दौरान, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारा जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर है, इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो उससे कंप्लीट आपकी स्टडी कराई जा रही है, और आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।